Audio Jungle. देश की राजधानी दिल्ली में पिंक लाइन के पूरे कॉरिडोर पर मेट्रो का सफर शुक्रवार से शुरू हो गया है, जो इस रूट पर यात्रा करने वालों के लिए बहुत राहत की बात है। इस कॉरिडोर के दो खंड महीनों से जुड़ नहीं सके थे, जिसके कारण मेट्रो के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यही नहीं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार से उत्तरी दिल्ली के मजलिस पार्क तक पिंक लाइन बनने का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। शिव विहार से मेट्रो में सवार यात्री त्रिलोकपुरी से आगे सफर नहीं कर पाते थे। यह स्थिति त्रिलोकपुरी और मयूर विहार पॉकेट एक के बीच मकान बने होने के कारण पैदा हुई थी और लंबे समय तक बनी रही थी। लोगों को विस्थापित करने पर मेट्रो इस भूमि पर काम शुरू कर पाया और तेजी से काम कर इस खंड को तैयार किया गया। अब इस खंड से जुड़ जाने से पिंक लाइन के पूरे रूट पर मेट्रो सुगम हो गया है और यह कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा कॉरिडोर बन गया है। इससे पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कई इलाके मेट्रो के इस एक ही कॉरिडोर से जुड़ गए हैं। यही नहीं, चौथे चरण में इस कॉरिडोर को मजलिस पार्क से आगे बढ़ाकर मौजपुर तक ले जाना है, जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके पूरा हो जाने पर यह मेट्रो का पहला रिंग कॉरिडोर बन जाएगा, जो राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहनों की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा।